नमस्कार। विपक्ष की राजनीति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने कोलकाता गए तो उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, और उसके बाद ममता बनर्जी दो दिन के लिए उड़ीसा के दौरे पर गईं तो उन्होंने बीजू जनता दल के नेता और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भेंट की। इसके बाद ममता बनर्जी दिल्ली आने वाली हैं और 29 और 30 मार्च को दो दिन वो दिल्ली में धरना देंगी, केंद्र सरकार का विरोध करेंगी। वे मानकर चल रही हैं कि उस समय तक संसद का सत्र चलता रहेगा और तब सभी पार्टियों के नेता उनके बुलावे पर उनके धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम अब भारत राष्ट्र समिति हो गया है, उसकी नेता के कविता ने महिला आरक्षण को लेकर के जंतर मंतर पर धरना दिया, एक दिन की भूख हड़ताल की और उसमें तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल हुई कांग्रेस को छोड़ करके। तो ये जो प्रयास हैं, जो पिछले काफी समय से चल रहे थे, उस प्रयास में ये तीन पार्टियों का प्रयास अभी तक दिख चुका है, जो भारत राष्ट्र समिति है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जो पार्टी है जिसके अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आम आदमी पार्टी भी इस प्रयास में शामिल है और अरविंद केजरीवाल ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। बहुत जल्दी वो 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। तो ये विपक्ष की राजनीति में हलचल मची हुई है और ये चारों पार्टियां जिस तरह से राजनीति कर रही हों, इससे ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को किनारे कर रही हैं ये पार्टियां। ये कहीं ना कहीं नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस अलायंस बनाने की बात कर रही हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो लगातार ये बात कर रही है, उसके नेता एक ही लाइन टेप रिकॉर्डर की तरह दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है या कोई विपक्षी मोर्चा बनना संभव नहीं है। कांग्रेस के बगैर कोई अगर तीसरा मोर्चा बनता है कांग्रेस को छोड़ करके तो उसमें कोई दम नहीं होगा, ये बात कांग्रेस के नेता दोहरा रहे हैं। अब सवाल है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने जो राजनीति की है या जो राजनीति केजरीवाल करना चाह रहे हैं और के चंद्रशेखर राव करना चाह रहे हैं, उसका आधार क्या है? सबसे पहले ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की राजनीति को समझेंगे तो अपने आप पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसको ऐसे कहें कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर समझें, जो इन पार्टियों की राजनीति है और इन दोनों राज्यों की जो राजनीति है, तो उससे तस्वीर साफ होती है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी से डेलिबरेट तरीके से दूरी बढ़ानी शुरू की है। दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई शुरू हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को भाजपा की बी टीम बता रही है, तो ममता बनर्जी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बता रही है। तो दोनों के बीच एक ये होड़ मची है कि कौन किसको भाजपा की बी टीम साबित करे। तो लड़ाई इस लेवल पर पहुंच गई है, इसलिए इस बात की संभावना या गुंजाइश अभी कम दिख रही है कि दोनों पार्टियों में कोई तालमेल होगा, और वो नहीं होगा उसकी वजह है, उसके कारण है। ममता बनर्जी दूरगामी राजनीति को ध्यान में रख करके ये काम कर रही हैं। उनको पश्चिम बंगाल में अस्मिता की राजनीति करनी है, बांग्ला आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करनी है, जिस पॉलिटिक्स पर उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराया, वो पॉलिटिक्स करनी है, और वो पॉलिटिक्स कांग्रेस के साथ रह करके वो नहीं कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के, अगर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के अलायंस में शामिल होती हैं और उस बड़े छाते के नीचे आती हैं जिसकी छाते का डंडा कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा हुआ हो, तो भले राहुल गांधी का नाम घोषित न हो, ये पब्लिक के बीच न कहा जाए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन जनता में अपने आप ये मैसेज जाएगा कि चूंकि इस मोर्चे की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व कर रही है, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। बिना किसी के कहे नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का मुकाबला बनेगा, और जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देने की बात आएगी और ममता बनर्जी का चेहरा उनके सामने नहीं होगा, तो पश्चिम बंगाल में फिर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को रोकना ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ममता इस बात को समझ रही है, वो जान रही हैं कि जब बंगाल में वो ये मैसेज बनवाएंगी कि वो लड़ रही हैं नरेंद्र मोदी से, उनका चेहरा है मोदी के मुकाबले, और चुनाव के बाद ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाएं, तब जाकर के उनकी अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स क्लिक करेगी, तब जाकर के उसका फायदा उनको मिलेगा। कांग्रेस के साथ रह करके ये फायदा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का आदमी वोट नहीं करने जा रहा है। राहुल गांधी के मुकाबले अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात होगी तो बंगाल में फिर नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज्यादा वोट जाएगा, और इसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। ममता बनर्जी इस बात को जान रही है, इसीलिए उनका प्रयास है कि कांग्रेस से दूरी दिखाएं और अपनी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करें, बांग्ला आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करें, बांग्ला अस्मिता की राजनीति करें, जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कायदे से किया था। और ऐसा करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? ऐसा करने की जरूरत को समझने के लिए वोट के आंकड़े देखने होंगे 2021 के विधानसभा चुनाव के भी और 2019 के लोकसभा चुनाव के भी आंकड़े। 2021 के विधानसभा चुनाव में
भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच 10% वोट का अंतर आ गया था। 48% के करीब वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले थे और भाजपा 38% वोट लेकर के 75-77 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन उससे 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वोट में 3% से भी कम का अंतर था। प्रिसाइजली 2.6% का अंतर था वोट का। ममता बनर्जी की पार्टी को 43.3% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 40.7% वोट मिले थे। सिर्फ 2.6% वोट का अंतर था। और उस समय लेफ्ट मोर्चा और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और दोनों को मिलाकर के 12% वोट आया था। यानी 12% वोट एक तीसरे मोर्चे को गया था। सोचिए, अगर वो तीसरा मोर्चा नहीं होता और वो ममता बनर्जी के साथ होता तो क्या बीजेपी को वोट का ज्यादा फायदा नहीं हो सकता था? देखे, ये राजनीति में कभी ये गणित नहीं चलता है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी के साथ मिल जाएंगे तो इनका वोट ममता बनर्जी को ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ममता विरोधी वोट जो कांग्रेस और लेफ्ट को मिला था वो बीजेपी को चला जाए और फिर सब कुछ ममता के हाथ से निकल जाए। ममता बनर्जी वोट के इस गणित को समझ रही हैं कि विधानसभा में तो बांग्ला भाषी लोग उनको वोट दे सकते हैं, बंगाली लोग उनको वोट दे सकते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको वोट तभी देंगे जब वो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में होंगी, या कम से कम ये मैसेज होगा कि वो भी बन सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, ममता बनर्जी इस बात को समझ रही हैं कि अगर वो लेफ्ट और कांग्रेस को अपने साथ जोड़ लेती हैं, दो दो एक एक सीट दे करके भी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि उनको जो 12% वोट मिला था वो लेफ्ट को मिलेगा। उल्टे आमने सामने की जब लड़ाई बनेगी, भाजपा बनाम तृणमूल कांग्रेस, नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी, तो यह भी संभव है कि ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाए, आमने सामने की लड़ाई में 100% ध्रुवीकरण हो जाए और उसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा, बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। जो सत्ता विरोधी वोट है, जो ममता बनर्जी को वोट नहीं करना चाहता है, जो उनके 15 साल के राज को देख रहा है, 3 बार चुनाव जीतने के बाद उनके पिछले 11-12 साल के राज को देख रहा है, और दूसरी ओर जो 10 साल में दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को भी देख रहा है और दोनों में से किसी को वोट नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए एक ऑप्शन हमेशा होना चाहिए है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट का ऑप्शन हो अगर, तो वो उसको वोट दे सकता है। इस बात को भी ममता बनर्जी समझ रही हैं। इसीलिए वोट के गणित के हिसाब से भी और अपनी अस्मिता की राजनीति की मजबूरी में भी वो कांग्रेस से दूरी बना रही हैं और अपने चेहरे पर बीजेपी के साथ लड़ना चाह रही हैं। इसी तरह की स्थिति अखिलेश यादव की भी है, समाजवादी पार्टी की भी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और तमाम हाइप के बावजूद, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी और कांग्रेस पार्टी से तालमेल करके वो चुनाव लड़े थे, और तमाम हाइप के बावजूद दोनों पार्टियों का सफाया हो गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिली और वो सबसे खराब परफॉर्मेंस था अब तक समाजवादी पार्टी का। अभी जब उसके बाद उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा उसके 5 साल के बाद, तो उनको 125 सीटें मिल गई। तो ये एक फर्क है, उनको पता है कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़के उनको वोट का कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस भी साफ हो गई है अभी, लेकिन कांग्रेस साफ हुई है लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, और ये तब हुआ जब दोनों अलग अलग लड़े। तो इस बात को अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई कोर वोट नहीं है, कोई वोट का आधार नहीं, कोई समर्पित वोट नहीं है जो कांग्रेस के आने की वजह से समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएगा, जैसे दूसरी पार्टियों के साथ होता है। जब अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़े 2019 का लोकसभा चुनाव, तो भले उनकी सीटें 5 ही रह गईं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कुछ न कुछ वोट उनको ट्रांसफर हुआ, उनके उम्मीदवारों को वो वोट मिला, खासतौर से उन जगहों पर जहां उनके दलित उम्मीदवार थे या मुस्लिम उम्मीदवार थे, उनको बहुजन समाज पार्टी का वोट मिला, दलित का वोट मिला। कम ही मात्रा में सही, लेकिन मायावती अपना वोट जोड़ सकती हैं समाजवादी पार्टी के वोट में। इसी तरह से जब वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़े तो उनको जाटों का वोट मिला, भले उसका प्रतिशत कम था, लेकिन जाट वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति थी जयंत चौधरी की, राष्ट्रीय लोकदल की, और उसने करा भी दिया समाजवादी पार्टी को, कम ही हुआ लेकिन हुआ। कांग्रेस के साथ ऐसा कोई वोट नहीं है जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े तो वो वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर करा दे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट खत्म है, उसको 2.5% वोट आया है और वो भी उम्मीदवारों का वोट है, पार्टी का कोई वोट नहीं है। पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती है कि किसी खास जाति का, किसी खास वर्ग का, किसी खास समुदाय का वोट उसके साथ है। तो अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ तालमेल करते हैं तो उनको क्या फायदा होगा? अगर धारणा बनाने की बात छोड़ दें तो वोट के मामले में उनको कोई फायदा नहीं होना है, और उनको पता है कि कांग्रेस अकेले लड़के भी उनका कोर वोट जो है, जो भाजपा विरोध का वोट है, उसमें कोई डेंट नहीं कर सकती है। वो जो वोटर है वो इतना होशियार है कि वो कांग्रेस को वोट देकर के अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा।
यही सोच करके अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई है। उल्टा उनको ये फायदा हो सकता है कि कांग्रेस अकेले लड़े और तो उसके कुछ सवर्ण उम्मीदवारों को, उसको जो सवर्ण उम्मीदवार होंगे वो उसके साथ कुछ उनका उनका वोट चला जाए तो वो बीजेपी को भी कुछ नुकसान पहुंचा दे। अगर वो कहीं किसी जगह पर थोड़ा बहुत नुकसान सपा का करे तो बीजेपी का भी कर दे। तो कांग्रेस के अकेले लड़ने में, कांग्रेस के अलायंस से अलग जाने में अखिलेश यादव ज़्यादा फायदा देख रहे हैं। तभी ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने अमेठी की अपने अमेठी दौरे में अमेठी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यहाँ हालात बहुत ख़राब है और ये संदेश दिया कि इस बार समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार दे सकती है। तो वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं और इसका भी मकसद वही है जो ममता बनर्जी का है, वो वोट का कोई फायदा कांग्रेस की वजह से नहीं हो रहा है इनको, इसीलिए ये दोनों अपने आगे की राजनीति को ध्यान में रख के कांग्रेस को दूर कर रहे हैं। और दूसरा फायदा इन लोगों को, इन दोनों पार्टियों को ये दिख रहा है कि अगर ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे में नहीं शामिल होते हैं या ये मैसेज देते हैं कि इनका कांग्रेस से विरोध है, ये कांग्रेस से दूर हैं, तो कांग्रेस को लेकर के जितनी निगेटिव बातें हैं, जो निगेटिव प्रचार हुआ है, उसका निगेटिव असर इनके ऊपर नहीं होगा। एक तीसरा फायदा यह है कि जो केंद्रीय एजेंसियों की आँच है वो हो सकता है इनके ऊपर न पड़े या केंद्रीय एजेंसियों के की मार से ये बच जाए। हालांकि ये इनकी खुशफहमी है, लेकिन ये दोनों पार्टियां ये खुशफहमी पाले हुए हैं कि कांग्रेस से दूरी दिखाने से एक फायदा ये हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसियों के कहर से थोड़े समय और बचे रहें। तो ये तीन बातें हैं जिनको सोच करके ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने पॉलिटिक्स की है और इसी को ध्यान में रख के चंद्रशेखर राव भी अपनी राजनीति करेंगे, जो आगे देखने को मिलेगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।